हरिया यहाँ आओ। अस्सलाम वालेकुम फरिया, कैसी हैं? मैं अरसलान की छोटी बहन। हाँ, जानती हूँ। कैसे आना हुआ? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हारी माँ के घर में बैठने का सिर्फ तुमने इजाजत नामा लिया है? मेरी बेटी आके मुझसे नहीं मिल सकती, वो भी मेरे घर में? नहीं नहीं बिल्कुल है, ये घर थोड़ी है, ये तो होटल है। जिसका दिल चाहता है आता है, रहता है और फिर चला जाता है ना? वैसे तैयबा एक बात बताओ, तुमने कोरोना टेस्ट तो कराया था ना? आजकल वैसे जो भी लंदन या यूएस से आ रहा है ना, वो तो अपने साथ कोरोना ही लेकर आ रहा है, तो प्लीज चेक कर लेना। मैं बीमार नहीं होना चाहती बिल्कुल भी। देखो बीबी, घर आए हुए मेहमान से तमीज से बात करना चाहिए। जो रात कब्र में आनी है ना, वो बिस्तर पे नहीं आएगी। और अगर तुम्हें कोरोना से इतना ही डर लगता है ना, तो चली जाओ अपने मैं को, मेरी बच्ची कहीं नहीं जाएगी। जितना ये तुम्हारा घर है उतना ही इसका भी। सो मेडर शास, मम्मी ये भाई क्या चीज उठा के ले आए? मुझसे तो तुम ना ही पूछो। अरे मेरा बस चलता ना, तो इन लोगों को ना लाइन में खड़ा करके ना गोली से उड़ा देती। नहायत ही बदतमीज लड़की है। क्यों तुम आप अपने घर से बाहर हो? क्या हुआ? आप तो अपना मुंह ठीक कर सकती हो। अजीब औरतों ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। और मम्मा को देखो, वो भी जिद करके बैठ चुकी है कि जियो या मरो लेकिन ये शादी जरूर है। मुझे क्या पता था, यूएस से पढ़ने के बाद भी मुझे वही सेम मिडिल क्लास लड़कियों वाली नसीहतें मिलेगी। अरे यार तुम एक काम करो, अरसलान को छोड़ो और यूएस चली जाओ। बल्कि काम करते हैं, हम दोनों साथ ही यूएस चलते हैं, वहां पे जाके ऐश करेंगे और मजे से रहेंगे। What a bad idea. I love Arsalan. उसे क्यों छोडूंगी मैं? वो तो बस उसकी फैमिली है जिससे मैं जान छुड़ाना चाहती हूँ। और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। मैं और तुम, we're just good friends. Actually, हम best friends. मैडम यहाँ बैठी हूँ, ये सब देखे तो अरसलान से जरूर कर। यारी किसके पिक्चर दे रही हो तुम? कुछ नहीं, तेरी तो सामने आ रही है, तेरी किसी फैमिली फ्रेंड के साथ बैठी हुई है। अरसलान से देखकर आनंद प्राप्त होता है।